बेसिस पे भी जा सकते। आप कोर्सेज के बेसिस पे भी जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कौन कौन सा कोर्सेज आपका रन है। तो दिस दीक्षा प्लेटफॉर्म इज फॉर द 1 to 12 क्लास ऑफ स्टूडेंट, तो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आपको पता होना है कि ये कैसे वर्क हो रहा है। ओके, तो दीक्षा के बाद आता है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ई पीजी पाठशाला। ओके, सो ई पीजी पाठशाला जो है ये बेसिकली जो है आपके पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलरली ये आईसीटी और यूजीसी के थ्रू सपोर्टेड है। तो ई पाठशाला, तो ई पाठशाला में अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पर एक स्टूडेंट कॉर्नर है, यहाँ पे क्विजेस दे सकते हैं, होम है, ये होम पेज है। ओके, तो होम पेज में आपको कुछ नहीं दिखेगा, स्टूडेंट कॉर्नर पे जाएंगे तो स्टूडेंट कॉर्नर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है आपके कोर्सेज के लिए। तो जैसे हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक एंड बुद्धिस्ट एंड बायो, आर्किटेक्चर, जिस फील्ड में आप हैं, ओके उस पे आप क्लिक करेंगे तो उसका कोर्सेज अवेलेबल होगा। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल कॉमर्स पे क्लिक करते हैं, तो कॉमर्स में आप कौन सा पेपर टाइप का कॉमर्स हम पढ़ना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमें पढ़ना है फॉर एग्जाम्पल, तो और कौन सा मॉड्यूल पढ़ना है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक पेपर हो गया, मतलब बहुत सारा कोर्स हो गया और उसमें बहुत सारे आपके टॉपिक्स होंगे, तो उस टॉपिक्स को अगर पढ़ना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे तो यहाँ पर ये टेक्स्ट बन के आ जाएगा। तो इसके बारे में दिया रहेगा कौन पढ़ाएगा कौन नहीं पढ़ाएगा, इसके बारे में दिया है। ओके, यहाँ पर कंटेंट दिया रहेगा, इसके बेसिस पे आप पढ़ सकते हैं। दूसरा, सेल्फ लर्निंग जहाँ पे रहेगा इसका एक वीडियो भी होगा। तो वीडियो जैसे सेल्फ लर्निंग, ई टेक्स्ट का मतलब होता है यहाँ पर आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, ठीक है। और लर्न मोर का मतलब है कि आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिन्होंने इस कोर्स को बनाया हुआ है, इस मॉड्यूल को, आप उनका ईमेल आईडी वगैरह दिया होगा, उनका कांटेक्ट नंबर दिया होगा, उनसे आप क्या कर सकते हो, आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। देन सेल्फ लर्निंग का मतलब है कि इन्होंने अगर कुछ वीडियो वगैरह बनाया हुआ है तो आप यहाँ से क्लिक करके वीडियो वगैरह भी देख सकते हैं। तो जो आपका ये स्टूडेंट कॉर्नर है, ये आप लोगों पीजी स्टूडेंट, एज ए पीजी स्टूडेंट आपका जो महाविद्यालय है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको क्विज देना है आपको अपने फील्ड में, तो यहाँ पर क्विज का ऑप्शन भी है, किस सब्जेक्ट पे आपको देना है। ओके, आर्किटेक्चर में हमें देना है, आप पेपर सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए जीआईएस पे देना है, और कौन सा पेपर है, मान लीजिए पेपर है, और यहाँ पे क्विज स्टार्ट कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका क्विज आएगा, टाइमिंग आएगा, ऑटोमेटिकली क्लोज होगा। तो एक प्रकार से प्रैक्टिस भी होता है, तो यहाँ पर ऑनलाइन बेसिस पे आप कर सकते हो। देन नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है आपका, थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा, अगर आपको कहीं दिक्कत होगा तो प्लीज बताइएगा, क्योंकि हमारे पास ऐसे ही 12 या 13 रिसोर्सेज हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। स्वयं प्रभा, ये जो स्वयं प्रभा है ये एक्चुअली 24x7 अवेलेबल रहता है, और ये एक डीटीएच है, डायरेक्ट टू होम सर्विस है, और जो कि फ्री डिश टीवी वगैरह पे हमेशा आता रहता है। तो जैसे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके यूआरएल पे आप कनेक्ट हो जाएंगे, और वहां पर टाइमिंग दिया रहता है कि किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, तो उस टाइमिंग को देखते हुए आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो कि उस टाइम पे आपको जाके पढ़ना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, जो एक टीवी है, आपने टीवी देखा होगा, फिर टीवी में कभी कभी पढ़ाते रहते हैं फ्री में, तो यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए है, स्कूल के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर चैनल दिया हुआ है, चैनल 11, 12, 13, 14, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए चैनल 11 चलता है, 12 चलता है आपके सिविल इंजीनियरिंग के लिए, ऐसे ही बहुत सारे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पर आपको देखिए ऊपर टैब बना हुआ है, होम, अबाउट, सर्च, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन एंड आर्किव वीडियो।
ठीक है, आर्किव वीडियो पे अगर आप करोगे तो यहाँ पर कौन सा वीडियो आने वाला है आज इस पे आप ऑनलाइन देख सकते हो, और उस टाइम पे आप क्लिक करके इसको पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर जैसे एक पे क्लिक करता हूँ, एक्चुअली स्लो स्पीड है तो थोड़ा सा इसमें ए डीटीएच चैनल फॉर स्कूल एजुकेशन, तो छोटे बच्चों के लिए आप देखिए डीटीएच चैनल ये लोग चलाते हैं, तो आप इन छोटे बच्चों को आप टीवी पे लगा सकते हैं और इसको आप या मोबाइल फोन पे लगा सकते हैं या जहां पे भी आपको लगाना हो, रीड मोर करेंगे, करंट करेंगे, यहां से आप इसको पढ़ा सकते हैं। और यहां पे बड़े प्रॉपर वे में ये लोग पढ़ाते भी हैं, छोटे बच्चों के लिए भी है, प्लस हायर एजुकेशन करेंगे तो पीजी और रिसर्च ओरिएंटेड बच्चों के लिए भी चैनल आएगा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, जैसे ह्यूमैनिटीज का है, लैंग्वेज है, हिस्ट्री कल्चर है, सोशल साइंस है, तो इस पे आप अगर किसी पे भी क्लिक करेंगे ओके, तो ऑटोमेटिकली ये चैनल 3 है और आपको पर्टिकुलरली चैनल 3 से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। हमको लगता है थोड़ा सा नेट की डिसकनेक्टिविटी है तो इसलिए नहीं हो पा रहा है, तो इस पे चैनल वाइज रहेगा स्वयं प्रभा। तो जनरली ये आपके जिस टीवी वगैरह पे फ्री आता है तो इस पे आप देख सकते हो। नाउ आपका नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए आज के पैंडेमिक सिचुएशन में, ये जो कंटेंट रखा हुआ है ये डिजिटल लाइब्रेरी है पूरे ऑल ओवर इंडिया का, जो डिजिटल अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। ये IIT खड़गपुर जो है इसको जो है एज ए मीन्स होस्ट करता है, आप यहाँ पर स्कूल लेवल का कंटेंट पा सकते हैं, CBSE एग्जामिनेशन अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग है, साइंस है, ह्यूमैनिटीज है, लिटरेचर है, सभी टाइप का ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप पा सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ह्यूमैनिटीज पे क्लिक करूँ तो आप देखो जैसे ही आपने ह्यूमैनिटीज पे क्लिक किया आप जर्नल, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स सब लिस्ट आ रहा है। अब आप मान लीजिए सोशल साइंस पे, सोशोलॉजी पे हमने क्लिक किया तो सोशोलॉजी पे जो भी आपके वीडियो लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पर एक स्वयं पे MOOC कोर्स पे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, ठीक है, तो इस पे अगर हम क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली आप क्या होगा कि यहाँ पर एज ए गेस्ट ओके आप यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। हमको लगता है कुछ इसमें नेट का या हाँ, जैसे यहाँ पर आप देखिए सोशियोलॉजी में CED/ED स्टैट का है, तो यहाँ पर देखिए सोशियोलॉजी मैंने खोला था, बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, तो कोई सा भी अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पे वीडियो आपका ओपन हो जाएगा सोशियोलॉजी में ही, चेंजिंग कास्ट एंड इट्स आइडेंटिटी, तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट लोग अपना विचार रखते हैं और इसके बेसिस पे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने का बहुत सारा यहाँ पे कंटेंट अवेलेबल है, उस फील्ड में जाके आप कंटेंट कर। तो डिजिटल लाइब्रेरी जो है आपके लिए बून है इस पैंडेमिक सिचुएशन में, और इसको आप फुल फ्लैश में यूटिलाइज करें। यहाँ पर आप जर्नल, डेटा, आइडियाज, बहुत सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। हर एक टैब को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है और उसके करस्पॉन्डिंगली आपको पता जो भी कंटेंट होगा वो पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो कंटेंट है ई शोध सिंधु, ये बेसिकली जो है रिसोर्सेज है जर्नल्स पेपर के लिए, ई बुक के लिए एंड बायोग्राफी साइटेशन फॉर द हायर एजुकेशन ओके। अगर आप PG PhD वगैरह अगर आप कर रहे हैं, और प्लस इसमें बहुत सारी चीजें हैं पेड हैं, जैसे जर्नल अगर आप जाओगे तो जर्नल्स में बहुत सारे जर्नल हाउसेज हैं, जैसे IEEE का आपने नाम सुना होगा, स्प्रिंजर का नाम सुना होगा, IOP का नाम सुना होगा, तो ये बहुत सारे हाउसेज हैं जो कि अपने जर्नल्स को एक्सेस करने के लिए आपसे कॉस्ट लेते हैं। तो ये जो ई शोध सिंधु है ये बेसिकली क्या है, आपको ओवरऑल कलेक्शन आपको देता है
लेकिन अगर आपका इंस्टीट्यूट जो है उसको सब्सक्राइब किया होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर इंस्टीट्यूट ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, बशर्ते आप देख सकते हैं कि हाँ ये कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन मेंबर है कौन नहीं है, यहाँ यूनिवर्सिटीज वगैरह के बारे में दिया हुआ है। तो कोई भी वेबसाइट आप ओपन करें तो सबसे टॉप पे देखिए उसके अबाउट दिया रहता है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहता है, कौन कौन से ई रिसोर्सेज उसमें अवेलेबल हैं वो दिया रहता है। सर्च करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सर्च ऑप्शन भी आता है, तो इस शोध सिंधु को हम लोग यूज कर सकते हैं अपने रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि ज्यादा इंटेंडेड आपके लिए नहीं है। ओके, नेक्स्ट है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग NPTEL। तो NPTEL ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, स्वयं जो है NPTEL इंक्लूडेड है, स्वयं में जो है वो NPTEL इंक्लूडेड है, लेकिन अलग से NPTEL भी रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें NPTEL में अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोर्सेज अवेलेबल, तो कोर्सेज अवेलेबल में आप रिसोर्सेज में अगर देखें तो रिसोर्सेज में बहुत सारे चीजें आपके यहाँ पे हैं, हेल्प वीडियो, सेमिनार, लाइव सेशन। कोर्सेज में आप देखिए NPTEL कोर्सेज एंड मेडिकल कोर्सेज, मान लीजिए NPTEL कोर्सेज हमें देखना है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आप फिर वही सिलेक्शन रूल वही सबका सेम है, तो आपको सिलेक्ट करना है, मान लीजिए हमने बायोटेक्नोलॉजी सिलेक्ट किया, तो जैसे ही आपने क्लिक किया, देखिए हमने क्लिक नहीं किया तो इलेक्ट्रिक आ रहा है, लेकिन जैसे ही आपने क्लिक किया ये देखिए लिस्ट चेंज हो गया। तो आप जो फील्ड सिलेक्ट करेंगे वही चीज यहाँ पर आपका सामने आएगा। ठीक है, दूसरी चीज आप यहाँ पे देखिए, जहां जहां इनरोल लिखा है वहां का वीडियो आपको तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन जहां जहां डैश है आप उसको कोई भी क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली देखिए उसका वीडियो आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा, आप कोई भी चीज यहाँ पे ओपन करके पढ़ सकते हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है NPTEL में। ये इनरोल का मतलब क्या है, यू वॉन्ट टू सर्टिफिकेट, आप सर्टिफिकेट चाहते हैं, और सर्टिफिकेट चाहते हैं तो इसके लिए क्या है कि ये कोर्स पूरा 12 वीक का है आपको करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको सर्टिफिकेट वगैरह जो है एग्जाम वगैरह आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको एग्जाम वगैरह नहीं देना है तो ये जो डैश वाले पॉइंट आते हैं, जो डैश डैश वाला अभी मैंने आपको दिखाया था, ए आप देखोगे आपके कोर्स में जहां से भी ये, मान लीजिए ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में क्लिक करता हूँ तो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस और बायोटेक्नोलॉजी हटा देता हूँ, सोशल साइंस डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन टू मार्केट, मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर इनरोल इनरोल दे रहा है, तो आप करंट में इनरोल हो जाइए, राइट। लेकिन अगर सर्टिफिकेट लेना है तो, बट अगर नहीं लेना है तो आप जो डैश वाले हैं उनके ऊपर आप काम कर सकते हैं, यहाँ 50 आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कुछ इनरोल होगा कुछ डैश होगा, तो जैसे यहाँ क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली कैसे है वीडियो है ये 6-7 वीक का आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगेन सेम चीज जैसा कि मैडम ने कहा था अपलोड करने का, तो डायरेक्टली आप अपलोड नहीं कर सकते हैं, बेसिकली आपको लोकल चैप्टर के थ्रू ही जाना पड़ता है, उसके थ्रू ही आप सारी चीजें ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए कोई भी वीडियो अगर आप देखते हो NPTEL पे तो वॉच वीडियो यहाँ से देखते हो, वीडियो को अगर डाउनलोड इसके बेसिस पे मीडिया कंफर्टेबल मीडिया नहीं है इसको छोड़ देते हैं, असाइनमेंट असाइनमेंट इसमें क्या किस इस लेक्चर में कौन सा असाइनमेंट दिया गया है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड वीडियो अगर आप चाहते हैं कि वीडियो को हमको डाउनलोड करके देखना है मैं ऑनलाइन नहीं देख पाऊंगा तो आप क्या करिए सारे वीडियोस डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन जनरली ये लोग कोई करता नहीं है, आज की डेट में डेटा नेट के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं इसको चेक कर लेते हैं। ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसक्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कोई वीडियो किसी की आवाज नहीं समझ में आ रही है, बहुत फास्ट इंग्लिश बोल रहा है या है, तो ये ट्रांसक्रिप्टेड होता है। ट्रांसक्रिप्टेड मतलब जो बोला रहेगा वीडियो में वही एज इट इज यहाँ पर लिख के आ जाएगा, हेलो एंड वेलकम टू दिस 12 वीक कोर्स, इसका मतलब है कि हेलो एंड वेलकम उसने बोला होगा और एज इट इज यहाँ पर क्या है पर्टिकुलरली आपका कंटेंट पढ़ने के लिए आ जा रहा है, तो इसमें टेक्निकल कंटेंट भी हो सकता है और सारा चीज आपका रह सकता है।
किसी किसी का बुक वगैरह अवेलेबल रहता है तो वो भी यहाँ अपलोडेड रहता है, बट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। तो इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, वीडियो ही नहीं देख सकते हैं और सारी चीजें भी आप टैब बाय टैब एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हमारा टूल है दैट इज वर्चुअल लैब। ये वर्चुअल लैब जनरली क्या है, AICTE का और जो पर्टिकुलर UGC का है, नया अभी इस पैंडेमिक सिचुएशन में ले आया गया है कि जनरली ये बोला जाता है कि जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं, तो उसका सलूशन देने के लिए प्रैक्टिकल बेस्ड जो कोर्सेज हैं उसमें इंकॉर्पोरेट किया गया है। तो इंजीनियरिंग के ज्यादा बच्चे या साइंस के ज्यादा बच्चे इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं आप देखेंगे, तो यहाँ पर भी होम अबाउट लेक्चर्स विकम वगैरह दिया हुआ है, देन यहाँ पर ब्रॉड वर्चुअल लैब, तो ये टॉपिक दिया गया है, इन इन टॉपिक पे वर्चुअल लैब अवेलेबल है, ठीक है, और इसको आप बता सकते हो, कोई भी कर सकते हो। जैसे फिजिकल साइंस पे अगर हम क्लिक करें तो मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन लैब अवेलेबल है, सॉलिड स्टेट लैब है, तो जनरली ये मेन बेसिक साइंसेज और इंजीनियरिंग कॉलेज वालों के लिए बेनिफिशियल है जहाँ पे लेबोरेटरी वर्क होता है। इवन आपके महाविद्यालय के लिए भी है जहाँ पर साइंस टाइप का जैसे ऑप्टिक्स कोई लैब कराना चाहे, मैकेनिक्स का कोई लैब कराना चाहे, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स का कोई कराना चाहे, तो इस टाइप के लैब को आप एसेस करा सकते हैं। यहाँ पर लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट दिया गया है, ए लिस्ट एक्सपेरिमेंट होगा, इस पे और क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिमुलेटर थ्योरी, सबसे पहले जैसे लैब मैनुअल होता है यहाँ पे लैब मैनुअल बना हुआ है, फिर प्रोसीजर उसको उस लैब को करने का क्या प्रोसीजर है, सेल्फ इवेल्युएशन, आप क्विज एक छोटा सा 4-5 क्वेश्चन का दिया जाता है, सिमुलेटर आप यहाँ पे सिमुलेट कर सकते हैं, सिमुलेशन के लिए आप साइन अप कर सकते हैं अपने जीमेल अकाउंट से या अपने इंस्टीट्यूट लॉगिन से फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड असाइनमेंट इसमें ये लोग मांगते हैं, असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, देन रेफरेंसेस कहाँ से बनाया गया है उसका रेफरेंसेस ले सकते हैं, एंड अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो फीडबैक भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि वर्चुअल लैब में हम लोग देखते हैं। नाउ वन मोर दैट इज यूट्यूब चैनल। जनरली हम लोग यूट्यूब पे ज्यादा बिलीव करते हैं और यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें मिलती हैं, तो यूट्यूब पे भी एजुकेशनल रिसोर्सेज जो है अभी अवेलेबल है, और ये जो अवेलेबिलिटी प्रोवाइड किया गया है वो कंसोर्टियम फॉर द एजुकेशनल कम्युनिकेशन के थ्रू किया गया है। ओके, तो IUC के माध्यम से किया गया है, UGC के माध्यम से। यहाँ पर आप देख सकते हो थाउजेंड्स ऑफ द वीडियो लेक्चर्स आर देयर और डिफरेंट टॉपिक्स पे है। तो अब आपको अगर सर्च करना है तो यहाँ ऊपर ये देखिए यूट्यूब का सर्च बटन बना हुआ है, मान लीजिए इकोनॉमिक्स पे आपको देखना है। अब इकोनॉमिक्स पे जैसे आप सर्च करेंगे ये वीडियोस आप देखिए इकोनॉमिक्स बेसिस पे कुछ ना कुछ एक क्लासेस यहाँ पर आएंगे। ओके, तो आप कोई भी क्लिक करके यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल के थ्रू है ये, तो आपको कहीं कोई लॉगिन नहीं करना है, कहीं कुछ नहीं करना है, सिंपली यूट्यूब के थ्रू जाके इस पे क्लिक करेंगे और अपना यहाँ पर टॉपिक सेलेक्ट करेंगे जो भी है, या कोर्स सेलेक्ट करेंगे और करस्पॉन्डिंगली यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए जिसको आपको देखना है, जो आपको अच्छा लगे, जितने टाइम के लिए अच्छा लगे वो आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये कुछ हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम लोग ऑनलाइन कंटेंट जो है वो हम देख सकते हैं। एक अनदर है शोध गंगा। शोध गंगा जो है बेसिकली रिसर्च स्कॉलर और PhD स्टूडेंट्स का जो है वो सारी की सारी थीसिस जो होती हैं यहाँ पर स्टोर किया जाता है। तो सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं उनको कहा गया है कि शोध गंगा पे जाके अपने इंस्टीट्यूट की PhDs को वहां पर सबमिट करें ताकि लोग बाग ओपन एक्सेस करके इसको देख पाए। तो ये शोध गंगा भी अच्छा है, अगर आप कोई यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट
अपलोड कर सकते हो, ठीक है। बट ये सिर्फ थीसिस वगैरह के लिए है, वीडियो वगैरह के लिए नहीं है। ओके, तो शोध गंगा के ऊपर ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लॉगिन आपका बन सकता है, यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर यहाँ पर होगा, जब आप लॉगिन करेंगे एक बनेगा, देन उसके थ्रू आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी इंस्टीट्यूट जो है इसके पार्ट्स हैं, और जो मैक्सिमम थीसिस को यहाँ पर शोध गंगा पे लाके डिपॉजिट करते हैं ओपन एक्सेस के तौर पे। ओके, नाउ विद्वान, विद्वान जो है बेसिकली एक डेटाबेस है, सभी ये बेसिकली टीचर्स के लिए है, कुछ टीचर्स के लिए भी होना चाहिए। तो आपके जो टीचर्स कम्युनिटी है हम लोगों की, वो इस पे जाके लॉगिन करके अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, और एक ग्रुप है जैसे फेसबुक है, तो यहाँ पे एकेडमिक फेसबुक है ये मान लीजिए, तो विद्वान पे आप क्लिक करके यहाँ पर आप, हमको लगता है मैं टाइम थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ, तो विद्वान के बेसिस पे यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, और ये डेटाबेस जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही वेबसाइट है, कोई प्राइवेट एजेंसीज है उनका नहीं है, ठीक है। तो आप आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक योर फेसबुक जो है एकेडमिक कल्चर में। ओके, नाउ वन मोर, दैट इज द, ये तो इंडिया लेवल पे हो गया। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे वर्ल्ड लेवल पे भी ओपन सोर्सेज बहुत अवेलेबल है, जैसे MIT का है, कोर्सेरा है, ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट कोर्सेज दिया हुआ है, ये कोर्सेरा है, EDX है, तो आप अगर इन सब पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनके वेबसाइट पे जाके ओपन, कोई भी पैसा नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, और उस कोर्सेज को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हो और लर्न कर सकते हो। ये बेसिकली जो है पीटर्सबर्ग लाइब्रेरी सिस्टम है, जो कि इसने पूरा कलेक्शन रखा हुआ है, और भी वेबसाइट है जिनके थ्रू आप जा सकते हो, बट यहाँ पर सारा कलेक्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके PPT में रखा है ताकि आप सारी चीजें एक्सेस कर पाओ। नाउ लास्ट जो है नैनो हब, अगर कोई आपके फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो एक वेबसाइट है nanohub.org, मतलब साइंस ग्रुप वाले बच्चों के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर आप सिमुलेशन कर सकते हैं, आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं, आप अपना रिसर्च वर्क कैरी ऑन कर सकते हैं ऑनलाइन। आपको कुछ यहाँ पर डाउनलोड अपलोड नहीं करना है, यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन भी आप जो है ऑप्शन दिया जाता है गूगल के थ्रू, आप लॉगिन कर सकते हैं। ओके, आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपका अप्रूव हो जाएगा, और रिसोर्सेज में अगर आप देखो तो रिसोर्सेज में बहुत सारा चीज है जो कि नैनो टेक्नोलॉजी बेस पे है। तो जैसे अगर हम टूल्स पे क्लिक करें, तो टूल्स का मतलब नथिंग बट ही सॉफ्टवेयर है, तो हर एक सॉफ्टवेयर के ऊपर आप काम कर सकते हो, ऑनलाइन आप काम कर सकते हो, और इसके करस्पॉन्डिंगली आप कोई भी चीजें यहाँ पे लॉन्च टूल्स करोगे, तो ऑटोमेटिकली ये ओपन होके ऑनलाइन जो है, क्योंकि मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ है इसलिए लॉगिन मांग रहा है। तो जो नैनो टेक्नोलॉजी है आपके जो साइंस के बच्चे हैं उनके लिए ज्यादा अच्छा है, और ई पाठशाला आपके सभी लोगों के लिए अच्छा है। तो दिस इज द लास्ट कंटेंट विच आई वुड लाइक टू कन्वे टू यू, दीज आर द 12 टू 13 आपके रिसोर्सेज हैं जो कि आप ओपन एक्सेस के लिए यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहोगे तो ये PPT मैं आपको मैडम के थ्रू दिलवा दूंगा, और डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पर आप जैसे इसको फुल मोड में कर लीजिएगा, और यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आपका वेबसाइट में ओपन हो जाएगा। तो इन सबको और आपको एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि एक घंटे के ड्यूरेशन में पॉसिबल नहीं है कि मैं और डेप्थ में जाके आपको बहुत सारी चीजें इसमें बतानी थी मैं बता पाऊं। रही बात एक लास्ट वाला जो क्वेश्चन है मैडम का कि कैसे अपलोड करते हैं, वो YouTube का जब मैं कल का सेशन लूंगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि YouTube में कैसे आप अपने वीडियो लेक्चर या क्लासेस हैं या लिंक हैं उसको आप कैसे अपलोड कर सकते हो। वही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, अदरवाइज NPTEL या स्वयं पे अगर आपको करना होगा
उसके लिए आपको लोकल चैप्टर के थ्रू जाना पड़ता है। ओके, तो लोकल चैप्टर वाले इनिशिएटिव लेते हैं कि आपका जो वीडियो ऑडियो जो क्लासेस है लेक्चर्स हैं उसको अपलोड कराना। बेसिकली आज की डेट में हम लोग कहीं अपलोड नहीं कराते, हम लोग यूट्यूब पे ही डाल देते हैं। तो यूट्यूब हम लोगों के लिए बेस्ट है, या जिनके पास में LMS, आपने नाम सुना होगा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिनके पास में है, जैसे हम लोगों के यहाँ है टीम है, तो टीम के थ्रू हम लोग क्या करते हैं लिंक डाल देते हैं, और उस लिंक पे जैसे बच्चा क्लिक करता है ऑटोमेटिकली वो हमारे टीम पे सर्वर पे रहता है, वो वहां से एक्सेस कर लेता है। तो आप हो सकता है अपने वीडियोस को क्या कर सकते हो, आप अपने गूगल ड्राइव पे डाल सकते हो, वहां अपना लिंक बना के बच्चों को दे दीजिए, आपने अपना वीडियो बना के गूगल ड्राइव में डाल दीजिए, गूगल ड्राइव बच्चों को लिंक दे दीजिए, तो बच्चे वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इवन उसको आप ओपन भी कर सकते हैं, आपकी सिक्योरिटी जो है वो हार्म नहीं होगी, कोई आपका एक्सेस नहीं कर पाएगा, सिर्फ वो वीडियो ही देख पाएगा। उन सब चीजों के बारे में मैं कल आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे आप अपने वीडियो होस्ट करा सकते हैं, कैसे आप कर सकते हैं। तो विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू मीन्स होप कि आप सभी लोग उसको एंजॉय किए होंगे। अब प्लस वन बाय वन अगर आप जाएंगे और देखेंगे तो और बेटर होगा। तो विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू थैंक टू ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड द मैनेजमेंट फॉर योर गिविंग प्रीसियस टाइम टू मी। तो ओवर टू मैडम, मैम आर यू देयर? यस सर। अगर कोई क्वेश्चन है ओपन रिसोर्सेज के बारे में तो प्लीज सारे पार्टिसिपेंट से मैं कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी डाउट अभी तक अगर लग रहा है आपको कहीं पर भी, या फिर कोई आपका क्वेश्चन बन रहा है, तो प्लीज आप अपने क्वेश्चन को रखें कहीं पर कुछ भी शंका। आज तक का सबसे बेस्ट रहा सर, और जितना कुछ बताया सब कुछ समझ में आया है। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। तो मैडम अगर आप चाहेंगे तो ये PPT मैं आपको सेंड कर दूंगा, एक कुछ सिलेक्टेड हमारे एजुकेशनल ओपन रिसोर्सेज हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसको हम एक्सेस करके इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों से है कि इसको आप एक्सप्लोर करिएगा और डेप्थ में जाके, इवन अगर सिंगल एक ही कंटेंट पे अगर ई पाठशाला पे ही मैं जाऊं तो एक घंटे मेरे लिए कम रहेगा, बट आपको अब उसको एक्सेस करना है कैसे, अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं ईमेल आईडी भी मैम से शेयर करूंगा, किया हूं ऑलरेडी, तो आप उसके थ्रू भी मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल ऑलवेज रेडी फॉर मींस फॉर योर एनी क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, तो थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे जितने भी एजुकेशनल रिसोर्सेज थे, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, आपने सबके बारे में हम लोगों को जानकारी दी, चाहे वो स्वयं हो, दीक्षा हो, EPG पाठशाला हो, स्वयं प्रभा हो, या फिर ई शोध सिंधु हो, NPTEL हो, बहुत सारी चीजें आपने बताई, साथ ही वर्ल्ड लेवल की जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में भी हमारा ज्ञान वर्धन किया, कैसे हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, और साथ ही कैसे हम इस पर लॉगिन कर सकते हैं, एक एक चीजों को, एक एक चीज को आपने बहुत बारीकी से समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और okay. अब मैं अपने ही महाविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग की सहायक आचार्य श्रीमती स्वप्निल पांडे मैडम को आमंत्रित करती हूँ कि आप आभार ज्ञापित करें। स्वप्निल मैडम, हेलो। जानकारी सर ने हम लोगों को प्रदान कर दी, जिसमें ऑनलाइन टीचिंग कैसे की जाती है, जितने भी हमारे ओपन रिसोर्स हैं, जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें स्वयं है, ई पाठशाला है, और यूट्यूब पे भी सर कल हमें बताने वाले हैं, शोध गंगा है,
इन सभी के माध्यम से सर ने हम लोगों को बहुत सारी जानकारी प्रदान की है, क्योंकि हम लोग स्वयं शिक्षक हैं, तो विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में जो सामंजस्य होता है वो ऑनलाइन क्लास में हम कैसे बिठा सकते हैं, ये भी जानकारी हमें सर ने प्रदान की है। तो आज का सेशन जो भी था मैम सर, बहुत ही इनोवेटिव था, बहुत ही जानकारी से भरा हुआ था। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इसमें आगे आप दीदी आपका, मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रिंसिपल मैम, मैनेजर मैम और हमारी सभी IQAC टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका फिर से धन्यवाद, और कल हम लोग फिर से आपको सुनने के लिए बेताब हैं सर। थैंक यू मैडम, धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू स्वप्निल, वास्तव में सर का लेक्चर बड़ा ही अच्छा लगा, और शायद एक सेकेंड के लिए भी ऐसा नहीं हुआ कि हम अपने मतलब अपने आप को कहीं और कर सके, मतलब पूरे समय हम लोग बड़े तल्लीनता से सर का लेक्चर सुन रहे थे और देख भी रहे थे, डेमोन्स्ट्रेट करके सर ने एक एक चीजों को बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और पुनः कल हम आपसे आग्रह करते हैं कि इसी तरह हमारा आप ज्ञानवर्धन करें, क्योंकि हम टीचर्स के लिए ये सबके लिए एक जिज्ञासा का विषय है कि हम अपने मटेरियल को कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोड करें, अपलोड करें। तो सर प्लीज आप कल यूट्यूब के बारे में आप हम लोग को जानकारी देंगे, इसके लिए आपको आपका बहुत बहुत स्वागत भी हम कल कर रहे हैं आज से ही। और इसके साथ ही सारे प्रतिभागियों का जो कि हमारे ऑनलाइन इस कार्यक्रम में जुड़े हुए थे, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब जुड़ करके निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें आपने जानी होंगी, और जो भी जिज्ञासाएं थी आपकी धीरे धीरे समाप्त हो रही होंगी। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ मैं ये मीटिंग को अब समाप्त करती हूँ। कल इसी समय पुनः हम लोग किसी तरह से जुड़ेंगे और नई चीजों को जानेंगे। थैंक यू मैम। Thank you, sir.